और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वालों को ये मंजूर नहीं है कि अब कोई भी फैसला नीतीश कुमार अकेले लें। नीतीश कुमार के साथ आने से इनकार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव उनकी बात मान करके सीट छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी टीम से ही नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। नमस्कार, साल के दूसरे दिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं अकेले हूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी टीम काफ़ी युवा है और युवाओं को नया साल मनाने के लिए छोड़ दिया गया था। आप भी नया साल मना लिए होंगे और सुबह सवेरे आपको इंतज़ार होगा कि इस नए साल के पहले दिन क्या कुछ हुआ और इसके बाद अब आगे किस तरह से बिहार की राजनीति चलने वाली है। राजनीतिक दल के नेताओं ने क्या कुछ किया, नए साल में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, किसने क्या मंत्रणा किया, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो 24/7 आपके सामने रहता हूँ। तो जैसा कि बिहार की राजनीति के बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं, आपने देखा होगा कि सभी नए साल का जश्न मना रहे थे, तो राजनीतिक दल के नेता इस जश्न को अपने आने वाले रणनीति के लिए प्रयोग कर रहे थे। मिलने जुलने का कार्यक्रम राजनीतिक था और जो एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गईं वो भी राजनीतिक था। इस पूरे घटनाक्रम में और नए साल के आगाज के साथ कुछ नए खुलासे भी शुरू हो गए। नीतीश कुमार का गुप्त प्लान क्या था, उसका भंडाफोड़ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए कठिन समय आ गया है। बात इतना ही नहीं है, विपक्ष को एकजुट करने का जो बैलून था, गुब्बारा था जिसमें हवा भरी जा रही थी, वो भी फूश हो गया है। ये पूरी खबर जो है, जिसके अलग अलग 3-4 सेक्टर्स हैं, हम आपको बताते हैं कि इस सेक्टर्स में क्या कुछ है, क्योंकि आपको पता है कि भीतर की बात निकाल करके आपके सामने रखने के लिए हम जाने जाते हैं और भारत लाइव इसके लिए एक तरफ जहां लोगों का चहेता भी है, वहीं कई लोग इसे बदनाम भी करते हैं। कई लोगों को तो ये आरोप होता है कि आप गलत खबर चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने साथियों के साथ मजबूती से हूँ, मैं उस गठबंधन से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये सारी बातें आपको नज़र आती हैं कि हमने जब कहा था कि 2020 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तय है कि वो 24 महीने से ज़्यादा नहीं टिकेंगे, उस समय हमें बदनाम किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि हम गलत र्यूमर उड़ाते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं। परिणाम आपके सामने है, कुशवाहा को लेकर के भी हमने बहुत सारी बातें कही, परिणाम आपके सामने हैं। आरसीपी सिंह जब से मंत्री बने तब से हमने कह दिया कि आरसीपी सिंह का ये कदम जो है कहीं ना कहीं जदयू के लिए आत्मघाती है और नीतीश कुमार को एक और साथी से किनारा करना पड़ेगा। बिल्कुल वही हुआ और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वालों को ये मंजूर नहीं है कि अब कोई भी फैसला नीतीश कुमार अकेले लें। उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुल करके बोल दिया है, कई लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले लगातार बदल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के इंटरनल सोर्सेस से पता करके ये बताया है कि उनका जो प्लान था वो सक्सेस नहीं होगा। नीतीश कुमार का प्लान क्या था पहले ये समझ लीजिए। नीतीश कुमार का प्लान था कि तेजस्वी यादव को, चूंकि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक फ्रेम से दूर हैं, जगदानंद सिंह लालू प्रसाद नहीं है, इसलिए उनकी बातों को कितना मानेंगे तेजस्वी यादव, ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल था और यही वो मौका था जब नीतीश कुमार को लगा कि वो अपने हिसाब से उनकी पार्टी और सरकार दोनों चला सकते हैं। लेकिन अचानक से लालू प्रसाद ने जाते जाते एक ऐसा काम कर दिया जिसमें फिर से जगता बाबू फ्रेम में आ गए और उन्होंने कई घोषणाएं कर दी, जिसको लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं उनका प्लान जो है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार का प्लानिंग था कि 2025 तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, इसके लिए 2024 में एक जो परीक्षा होगी, जो मैच होगा, उस मैच में किस तरह से परफॉर्मेंस करती है उनकी टीम, ये देखते हुए आगे 2025 के लिए तैयारी की जाएगी। नीतीश कुमार आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से अपने फैसले और नीतियां बहुत साध करके बनाते हैं, यही कारण है कि वो पिछले कई दशक से आपने देखा कि लगातार बिहार की गद्दी पर काबिज है। अब जो अगला तैयारी था वो 2024 का चल रहा था, लेकिन 2025 तक के लिए तेजस्वी यादव को अपने खेमे में रखने और अपने हिसाब से चीज़ों को करने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। कुर्नी का प्रयोग आपने देखा, इसके साथ साथ आपने गोपालगंज और मोकामा का
प्रयोग भी देखा। उस प्रयोग में नीतीश कुमार ने अपने वोटरों को बेहतर ढंग से ट्रीट नहीं करके ये देखना चाहा कि क्या जो तेजस्वी यादव का वोट बैंक है वो शिफ्ट होता है या नहीं होता है। वहीं कुर्नी में उन्होंने वो सीट अपने नाम, चूंकि वो सीट राष्ट्रीय जनता दल की विनिंग सीट थी, उस सीट को अपने नाम से ले करके ये भी साबित करने का प्रयास किया कि तेजस्वी यादव उनकी बात मान करके सीट छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। ये संदेश उनको अपने पार्टी के लोगों को देना था और जो वर्तमान में सांसद और विधायक हैं उनको देना था, लेकिन इसके असर देखने को नहीं मिले, विपरीत असर हो गए। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी, ये प्लान बना रही थी कि जो भी सांसद और विधायक संतुष्ट नहीं है जनता दल यूनाइटेड में और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद उन्हें अपने अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है, वो शिफ्ट हो जाएंगे, और नीतीश कुमार उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस प्रयास में नीतीश कुमार सफल नहीं हो पाए हैं। इसके साथ साथ उनका प्लानिंग था कि तेजस्वी यादव को 2025 तक ऐसे ही लोली दे करके, लेमन चूस चुसा करके उनको अपने साथ जोड़े रहें। अब जबकि जगदानंद सिंह ने फाइनल कर लिया है, उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं और नीतीश कुमार के बयान भी धीरे धीरे बदलने लगे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो रणनीति थी नीतीश कुमार की वो थी कि देश भर से विपक्षी एकता बनाई जाए और लोगों को जोड़ा जाए, लेकिन इसमें पूरी तरह से उनका गुब्बारा जो है वो ब्लास्ट कर गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरी टीम से ही नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। इसके पहले आपको बता दें कि तेजस्वी का अरमान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया है। नीतीश कुमार के साथ रह करके उनको, उन्हें तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी, ये बात लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के होड़ में बहुत पिछड़ गए हैं और इसके कई कारण नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार ने प्रयास किया था, उस प्रयास पर आपने देखा होगा कि विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार का प्रयास था, जैसे ही वो सरकार में आए थे तो एक शुरुआत की थी, बहुत उत्साह के साथ वो दिल्ली गए थे और मुलाकात की थी, लेकिन न तो राहुल गांधी ने उन्हें भाव दिया और न सोनिया गांधी ने उन्हें भाव दिया। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने नज़र आ रही थी उसमें साफ लग रहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं चाहते हैं। और इसके पीछे एक तर्क और भी आया था कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर लें, जिस पर कहीं ना कहीं अंततः अपनी पार्टी के भीतर दबाव को झेलते हुए नीतीश कुमार को इस पर बयान देना पड़ा कि किसी तरह के विलय की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई और सोनिया गांधी ने कहा था कि अभी तो हम अध्यक्ष के चुनाव में लगे हुए हैं, अध्यक्ष के चुनाव हो जाने के बाद हम आपसे फिर बातचीत करते हैं, लेकिन खड़गे को भी काफ़ी समय हो गया, लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय हो रहे हैं अध्यक्ष बने, लेकिन नीतीश कुमार को किसी भी तरह का निमंत्रण नहीं गया। इन सारी बातों को लेकर के केजरीवाल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। दो दो राज्यों में उनकी सरकारें हैं, निश्चित रूप से गठबंधन में आते तो उसका फायदा गठबंधन को मिलता, लेकिन वो गठबंधन से बाहर रहना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें तो कई नेताओं ने, ममता बनर्जी हों, KCR हों, केजरीवाल हों, ये सारे नेताओं ने, इसके अलावे चंद्रबाबू नायडू हैं, नवीन पटनायक हैं, ये सारे नेता नीतीश कुमार के साथ आने से इनकार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ खींच लिया है, और यही इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के भी जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उस यात्रा में भी जाने से अपने आप को मना कर दिया है। इन सारी बातों के साथ साथ अखिलेश यादव की बात कर लें, मायावती की बात करें, जयंत चौधरी की बात कर लें, इन सारे लोगों ने अपने आप को रोक लिया है। और जैसे ही ये सब कुछ घटित हो रहा है उसके बाद तेजस्वी यादव के अरमानों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है और ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो नई टीम जो बनाने की बात चल रही थी, जिस टीम में कहा जा रहा था, हमने आपको बताया भी था कि G23 की जो कल्पना की गई थी उसमें नीतीश कुमार भी थे, लेकिन वो नीतीश कुमार थे जो बिहार में कुर्सी छोड़ करके गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन नीतीश कुमार बिना कुर्सी के नहीं रह सकते। तेजस्वी यादव को इस बार उन्होंने अपने, कहा जाता है कि जाल में उलझाने में सफलता प्राप्त कर ली, और तेजस्वी यादव अब 6-5 में पड़े हुए हैं कि करें तो क्या करें। एक तरफ उनके अरमान और उनकी पार्टी के लोगों की सोच, लालू प्रसाद का सपना, ये सारा ध्वस्त होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को टीम से ही आउट कर दिया गया है। जो नए गठबंधन की कवायद चल रही है उसमें जैसे ही
राहुल गांधी का नाम घोषित किया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के साथ बनने वाले गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवार हों और कॉन्टेस्टेंट हों। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की का स्थान कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बिहार के कहा जाता है कि वरिष्ठ नेताओं में से एक और नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी सलहिया रहे सुशील मोदी ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के बैलून जो है, गुब्बारा जो है, उसमें छेद हो गया है और ये छेद उनके साथियों ने ही किया है। वो गए तो थे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने, लेकिन अब उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद करनी है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री तो बनना दूर की बात है, अगर आंकड़ों का जुगाड़ हो जाता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाते, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी उन आंकड़ों को उन्हें कहा जा रहा है कि उधार में भी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए घातक होता जा रहा है और उनके अरमानों को ध्वस्त करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो चाल चली है उस चाल में वो आने वाले समय में 2024 के चुनाव तक तो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी बातें क्लियर हो गई हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के हम आपको अगली खबर जो बताएंगे उस खबर में और भी बिहार की बहुत सारी जो भीतरिया बात है वो होगी। आज के रातों रात में चूँकि मैं अकेले था, उसके बाद भी मैंने कोशिश किया है कि बिहार की राजनीति को समेट कर आप तक पहुँचाऊँ। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और साल के दूसरे दिन आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये साल आपका बहुत ही बेहतर और आपकी सारी मनोकामना को पूरा करने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।